अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अधिवेशन को लेकर विधायक देवनानी ने लिया जायजा। कल से शुरू होगा चित्तौड़ प्रांत का अधिवेशन। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे उपस्थित। आज आजाद पार्क में होने वाले चित्तौड़ प्रांत के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन को लेकर विधायक वासुदेव देवनानी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चित्तौड़ प्रांत के हो रहे 3 दिवसीय अधिवेशन में कई तरह के सत्र आयोजित होंगे। कल से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने वाली है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित होंगे। इसके अलावा अजमेर सांसद अजमेर की विधायक ब्यावर के विधायक सभापति पुष्कर के विधायक सभापति व भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह का अधिवेशन होने जा रहा है और कौन कौन इसमें मुख्य अतिथि होंगे? कल से 3 दिवसीय 29, 30, 31 दिसंबर को भारत के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चित्तौड़ प्रांत का अधिवेशन होने जा रहा है। वह अधिवेशन कल प्रातःकाल 10 बजे से प्रारंभ होगा। प्रारंभ प्रदर्शनी उद्घाटन, ध्वजारोहण, प्रस्तावित सत्र और खुले अधिवेशन के रूप में होगा। इसमें मुख्य रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत मुख्य अतिथि के नाते आ रहे हैं और इस पूरे चित्तौड़ प्रांत के हर ज़िले से कार्यकर्ता, छात्र प्रतिनिधि मिलकर के ऐसे लगभग 1000 प्रतिनिधि इसमें आने वाले हैं। और 30 तारीख को अगले दिन हर जगह शोभा यात्रा निकलेगी, सड़कों के मुख्य मार्ग से होती हुई फिर खुले अधिवेशन के रूप में परिवर्तित होगी। इसमें छात्रों के शैक्षिक हितों की बात, राष्ट्रीय मुद्दों की बात, सामाजिक बातें, इनमें कई प्रस्ताव भी पारित होंगे, जिसके आधार पर अगले वर्ष विद्यार्थी परिषद छात्र जगत के माध्यम से एक देश को नई दिशा दे सके उसका चिंतन होगा, मनन होगा। इसके लिए एक स्वागत समिति का भी गठन किया है, जिसमें अलग अलग जो प्रमुख लोग हैं उसमें मेयर हैं, सांसद हैं और महापौर, उप महापौर से लेकर के कई ब्यावर के, पुष्कर के सभापति और चेयरमैन भी हैं। ऐसे प्रमुख लोगों की एक बनाई है। मैं समझता हूँ उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे एक अद्भुत ये अधिवेशन होगा। मैं इस अवसर पर शिक्षाविदों से और आम जन से और विद्यार्थियों से आह्वान करूंगा कि वे आए, इस देशभक्त संस्था के साथ जुड़ें और इन कार्यक्रमों में भाग लेकर के इन छात्रों का उत्साहवर्धन करें। देश में जो वर्तमान में बिल निश्चित रूप से देश आज जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत अभी नागरिकता संशोधन विधेयक भी है, दूसरे भी इसके साथ जुड़े हैं और इन सारे मुद्दों पर खुले रूप से चर्चा होगी। विद्यार्थी अपना मत व्यक्त भी करेगा, संगठन अपना इस पर प्रस्ताव भी पारित करेगा। निश्चित रूप से आज देश में जिस प्रकार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसमें राष्ट्रवाद को लेकर के राष्ट्रवादी संगठन भी अपनी नीति अनुसार इस मुद्दे पर अपनी बात रखेगा। रैली में भी कुछ चर्चा है? रैली निश्चित रूप से सड़कों के मुख्य मार्ग से होगी। रैली तो नारे लगाते हुए और एक युवा हमारे जो कुछ नारे हैं, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, अजमेर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस तरह के देशभक्ति के नारे लगाते हुए सड़कों के मुख्य मार्ग से निकलेगी और उसके बाद अंत में जब एक खुले अधिवेशन के रूप में आएंगे तो उसमें इन सारे मुद्दों पर छात्र नेता अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का ये 55वां प्रांत अधिवेशन अजमेर में सम्पन्न होने जा रहा है। यहाँ पर 29, 30 और 31 दिसंबर को 3 दिन यह अधिवेशन चलने वाला है। 29 तारीख को सुबह यह प्रदर्शनी उद्घाटन से और ध्वजारोहण के बाद ये पूरा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसके बाद भाषण सत्र रहेंगे, अलग अलग तरीके के सत्र भी इस अधिवेशन में रहेंगे। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उसके बाद में 30 तारीख को एक शोभा यात्रा अजमेर के मुख्य मार्ग से होती हुई यहाँ के एक पांडाल पर संपन्न होगी और वहाँ पर एक खुला अधिवेशन होगा, जहाँ पर छात्र नेताओं के भाषण होंगे तात्कालिक विषयों पर लेकर और विद्यार्थी परिषद की पूरी इतने वर्ष की यात्रा को लेकर। उसके बाद में 31 को यहाँ पर अलग अलग सत्र के बाद में यहाँ पर समापन सत्र रहेगा 31 दिसंबर को और विभिन्न जिलों से लगभग 1000 से अधिक छात्र छात्रा प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचेंगे और अधिवेशन में भाग लेंगे।
जय जोशी प्रधानमंत्री।